हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट द ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे इस ईगल आई व्यू सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईगल आई व्यू एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इन स्टॉक्स में बाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाय करें। तो देखिए, ये है हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे इंट्राडे टाइमिंग से मुझे जो भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारा ऑप्शंस का ग्रुप जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे ऑप्शंस के जो भी ट्रेड मुझे अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। याद रखिएगा, इन दोनों ग्रुप से मैं जो भी ट्रेड शेयर करता हूँ बेसिकली एजुकेशनल पर्पज के लिए होते हैं। उनमें मेरी आपको कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं होती। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये है आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज BEPL। इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखिए, मैंने 5 अक्टूबर के आसपास हमारे लर्निंग ग्रुप में हमारे मेंबर्स के साथ शेयर किया था। मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, तो आई होप आप लोगों ने देख लिया। देखिए, 5 अक्टूबर में देने के बाद 93 के आसपास से इसने कितने परसेंट का रिटर्न दिया था, मात्र 27%। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 8 मंथ से ये ऑलमोस्ट एक साइडवेज एरिया में ट्रेवल कर रहा है और इस बार मुझे ये स्टॉक रेडी होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टॉक की अगर मैं बात करूँ ना तो इसमें मुझे दो टारगेट्स इजीली अवेलेबल दिख रहे हैं। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा हमारा यहाँ पे 130 के आसपास का, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 143 के आसपास का। बाकी अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को देखें ना तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए, ये हमारा एरिया था जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया था 2018 में। दोबारा इस एरिया पे रिजेक्शन लिया था, और अगर ये पर्टिकुलर एरिया इस बार ब्रेक होता है ना, ये देखिए यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया था इसने, दोबारा से रिजेक्शन लिया था। अब अगर ये इस एरिया को ब्रेक करते हैं ना तो ये जो पर्टिकुलर ब्रेकआउट होगा वो 6 साल बाद का होगा। और यहाँ पे देखिए, हमें इस तरीके से कप एंड हैंडल भी देखने को मिल रहा है। ये हो गया हमारा कप और ये हो गया हमारा हैंडल। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें ना तो आपको इस स्ट्रक्चर में भी एक छोटा सा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो अगर इस एरिया को भी ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से ब्रेक करता है तो आने वाले समय में ये एक बड़ा रिटर्न दे सकता है। एक बार को अगर हम डेप्थ के अकॉर्डिंग देख ले, इसने कितने परसेंट का फॉल किया था, 90% ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हुए दिख जाएंगे। तो एक बार को प्राइस अगर ये पर्टिकुलर एरिया यानी कि 143 ब्रेक करता है तो प्राइस इस एरिया तक भी जा सकता है, दैट इज 277। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज BEPL। बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है सेंटिक रियलिटी। सेंटिक रियलिटी को देखिए, मैंने इस एरिया के आसपास 19 सितंबर के दिन 430 पे शेयर किया था। ये पर्टिकुलर स्टॉक ने भी इस एरिया से कितने परसेंट के आसपास का रिटर्न दिया है, अभी तक इसने यहाँ से मात्र 40% के आसपास का रिटर्न दिया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टॉक कंटिन्यूअसली 6 से 7 महीने से एक साइडवेज एरिया में था और अभी जस्ट ये इस एरिया को ब्रेक करके निकला है। इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक बार को अगर हम ध्यान से देखें ना तो देखिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक क्या कर रहा है, ये था हमारा एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक का, जो था हमारा 524 का। एक बार को अगर हम वॉल्यूम वगैरह एक्टिव कर देना तो देखिए, कंटिन्यूसली हमें 3 मंथ से राइजिंग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और ये हमें चार्ट में भी विजिबल दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद देखिए, मैं आपको यहाँ पे क्या करूंगा, मैं आपको यहाँ पे दो टारगेट दूंगा। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 650 के आसपास, और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारा 700 के आसपास का, जो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज सेंटिक रियलिटी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया। देखिए, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया को मैंने इस एरिया के आसपास आप लोगों के साथ शेयर करा था, मुझे अभी भी याद है। मेरे यूट्यूब चैनल का जो सेकंड वीडियो था वो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे था। यहाँ पे देखिए, मैंने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे आप लोगों को बोला था, या तो पर्टिकुलर प्राइस इस तरीके से करके कुछ जाएगा या तो इस तरीके से रिटेस्ट करके जाएगा। देखिए, प्राइस ने इस हमारे सेटअप को फॉलो किया, प्राइस ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया इस एरिया पे, और उसके बाद देखिए प्राइस ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। मैंने दो बड़े टारगेट दिए थे इस एरिया से। एक बार को अगर मैं आपको दिखा दूं तो हमारे कितने परसेंट के रिटर्न दिए थे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, 61% के रिटर्न दिए थे एक बार को, कब, अगस्त 2 से लेके जनवरी 2024। यानी कि अगर हम ठीक ठाक देखें तो 5 महीने के अंदर 60% का रिटर्न, विच वॉज नॉट बैड। अभी देखिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक दोबारा से रेडी हो रहा है और ये इस बार मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक इस बार एक अच्छी खासे रिटर्न दे सकता है। इसका रीजन एक ही है, अगर आप इसे ध्यान से देखें, देखिए एक अच्छे खासे साइडवेज करेक्शन के बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से निकलना चाहता है, और एक बार को हम हमारे मेजर ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें 230% के आसपास का रिटर्न दे सकता है यहाँ से, दैट इज इंसेक्टिसाइड्स इंडिया। एक बार को मैं आपको यहाँ पे स्विंग के दो टारगेट दूंगा,
हमारा जो पहला टारगेट होगा वो इंसेक्टिसाइड्स इंडिया में, वो होगा हमारा 770 के आसपास का, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारा 840 के आसपास का, जो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज इंसेक्टिसाइड्स इंडिया। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, आने वाले समय में ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे मिनिमम इस एरिया से इस एरिया तक मूव करता हुआ दिख रहा है, दैट इज 2400 तक का एरिया। ठीक है, बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है एनएफएल। एनएफएल देखिए, इस पर्टिकुलर एरिया पे मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में मेरे मेंबर्स के साथ शेयर करा था, और यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करा था, आप लोगों को भी मैंने दो टारगेट्स यहाँ पे दिए थे। देखिए यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न, यानी कि 78% का रिटर्न देने के बाद पर्टिकुलर स्टॉक ने फॉल करा। अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक दोबारा से रेडी हो रहा है। एक बार को मैं इन चीजों को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे लेके चलता हूँ, और अगर इस चार्ट को हम ध्यान से देखें तो मुझे एक चीज यहाँ पे नोटिस हो रही है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो है इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ रेजिस्टेंस को अगर एक बार हम यहाँ पे इस तरीके से मार्क करें तो देखिए प्राइस इस एरिया से रिजेक्ट हो रहा था, यहाँ से फिर एक फॉल। ये ट्रेंड लाइन भी मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, और अभी देखिए प्राइस क्या कर रहा है, इस एरिया को ब्रेकआउट किया, मैनिपुलेशन किया, और अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक दोबारा से रेडी होता हुआ दिख रहा है। और ये जो हमारा पर्टिकुलर हाई था 2010 का, 14 साल के बाद इस एरिया का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पे डेप्थ के अकॉर्डिंग देखें 86% एक बार को हम एक्सटेंड करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, ये एक बार को हमारे टारगेट्स हो जाएंगे इस एरिया से, 125 से ये 240 तक जा सकता है डेप्थ के अकॉर्डिंग। और अगर मैं आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे टारगेट वगैरह दे दूं तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा हमारे यहाँ पे, हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 138 के आसपास का, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 155 के आसपास का। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए एक राउंडिंग कर्व इस तरीके से हमें बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इस एरिया से भी अगर एक बार को हम देखें डेप्थ के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर स्टॉक कितना परसेंट मूव कर सकता है, 33% का फॉल है, आराम से यहाँ पे हमें 33% तक के मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। थर्ड टारगेट भी मैं आपको दे देता हूँ, वो होगा हमारे यहाँ पे 175 के आसपास का, दैट इज एनएफएल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है आरसीएफ। देखिए आरसीएफ को मैंने इस एरिया के आसपास आप लोगों के साथ शेयर किया था ये दोनों टारगेट्स के साथ, और देखिए ये दोनों टारगेट्स हमारे अचीव हो चुके हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया पे मैंने आप लोगों को दिया था 13th अक्टूबर के आसपास, 13th अक्टूबर से देखिए इसने यहाँ पे दो टारगेट्स मैंने दिए थे 47% की, ये हमारे अचीव हो चुके हैं। अगर हम ठीक ठाक देखें तो 8 मंथ्स के अंदर 47%, मानता हूँ ये जो 8 मंथ्स के हैं ये 8 मंथ्स के अंदर नहीं है, एक्चुअली इसने ये जो 44% का रिटर्न था इसने यहाँ पे 3 मंथ्स के अंदर ही दे दिया था, बट उसके बाद उसने फॉल करा था और ये दोबारा से भी इस एरिया पे आया है। तो लॉजिकली हम देखें तो 3 मंथ्स के अंदर 47% देने के बाद इसने फॉल करा था, अभी दोबारा से उस एरिया पे है। आरसीएफ को एक बार अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए आरसीएफ में क्या हो रहा है, आरसीएफ को एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीजें दिखेंगी कि इस लाइन को एक बार को अगर हम इस तरीके से शिफ्ट कर दें, थोड़ा सा ऐसे अगर हम शिफ्ट कर दें तो आपको दिख रहा होगा ये था हमारा एक रिजेक्शन एरिया 2008 का, फिर रिजेक्ट, यहां से देखिए प्राइस ने फिर एक रिजेक्शन लिया, इस तरीके से हमें एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है जो हम मार्क कर सकते हैं। ये देखिए रिजेक्शन 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 ब्रेकआउट रीटेस्ट बूम, सिंपल हमें प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए ये जो इसका यहाँ पे ब्रेकआउट था 2007 के बाद 2023 में 16 साल के ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने यहाँ पे रिटेस्ट किया और अभी ये दोबारा से रेडी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दो टारगेट दिए थे 47% तक के, वो अचीव हो चुके हैं। डेप्थ के अकॉर्डिंग एक बार अगर हम यहाँ पे देख ले कितने परसेंट का फॉल है, 80% हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, एक बार को प्राइस यहां तक जा रहा है, ये लाइन में मार्क कर देता हूँ। ठीक है, 228, इसके पहले मैं आपको यहाँ पे दो छोटे छोटे स्विंग के टारगेट देना चाहूंगा। 185 पे चल रहा है, हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा हमारा 210 के आसपास का, हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 230 के आसपास का। इन दोनों एरियाज को भी अगर ये प्राइस ब्रेक करता है ना तो आने वाले समय में ये और भी ऊपर जा सकता है, दैट इज आरसीएफ। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है फिनो पेमेंट्स बैंक। देखिए फिनो पेमेंट्स बैंक को मैंने पहले इस एरिया के आसपास हमारे लर्निंग ग्रुप में हमारे मेंबर्स के साथ शेयर करा था जून के आसपास। ठीक है, यहां से देखिए इस बार एक बार इसने यहाँ पे हमारे एरिया को अचीव किया, 400 का हमारा टारगेट था, ये प्रीवियस हाइस को मार्क करते हुए मैंने यहाँ पे इन एरियाज को टारगेट की तरह दिया था। ठीक है, प्राइस ने देखिए एक बार यहाँ से रिजेक्शन हुआ, दोबारा रिजेक्शन हुआ, अब देखिए ये प्राइस क्या कर रहा है, तीसरी बार अपने सपोर्ट एरिया को टैप करके
यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये देखिए ये जो पर्टिकुलर रैली है ना, ये पर्टिकुलर रैली 3 बार से रिजेक्ट हो रही है, फर्स्ट टाइम रिजेक्शन, सेकंड टाइम रिजेक्शन, थर्ड टाइम। इस बार मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। हमारा पहला टारगेट अब 370 तक का रख सकते हैं, सेकंड टारगेट हमारा होगा यहाँ पे 400 के आसपास का, जो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ। और एक बार को अगर सिंपल तरीके से हम इस रेंज को भी मेजर करें ना, वीकली टाइम फ्रेम पे मैं चला जाता हूँ, इस रेंज को भी एक बार को मेजर करें ना, तो 51% का रेंज हो रहा है। 51% का रेंज में ऊपर की तरफ एक्सटेंड करता हुआ दिख जाता हूँ, एक बार को ये वाला एरिया तक आता है, ठीक है। इसका मतलब ये एरिया अगर एक बार को ब्रेक होता है ना, तो प्राइस कैन मूव अप टू दिस एरिया, दैट इज 568। ये था हमारा आज का नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज फिनो पेमेंट्स बैंक। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है प्रीकॉर्ड। देखिए प्रीकॉर्ड को मैंने 1 दिसंबर पे हमारे लर्निंग ग्रुप में हमारे मेंबर्स के साथ शेयर किया था 265 के आसपास। और इस पर्टिकुलर स्टॉक ने देखिए अभी यहाँ से कितने परसेंट के आसपास का रिटर्न दिया है, इसने यहाँ से ऑलमोस्ट 88% के आसपास का रिटर्न दिया है। ठीक ठाक पकड़े तो ऑलमोस्ट डबल होने ही वाला है। एक बार को मैं इसके चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम यानी कि मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार को शिफ्ट करता हूँ। इस चीज को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें ना, ये पर्टिकुलर स्टॉक क्या कर रहा है, पहले मैं आपको इसका प्रूफ दिखाना चाहूंगा। ये देखिए तो आई होप आप लोगों ने देख लिया, 265 पे शेयर करने के बाद इसने 88% का रिटर्न दिया है। अभी देखिए प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा था, वीकली टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पे इस तरीके से राउंडिंग कर्व बनाता हुआ दिख रहा था, ठीक है। अभी राउंडिंग कर्व यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। और देखिए इस पर्टिकुलर एरिया पे अगर हम एक बार लाइन मार्क कर लेना, देखिए यहाँ पे हमारा पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन और प्राइस इस बार यहाँ से ब्रेक कर रहा है। वॉल्यूम एक बार अगर हम यहाँ पे चेक करें तो देखिए राइजिंग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हमें वीकली में भी दिख रहा है और डेली में भी देखिए यहाँ पे ठीक ठाक वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस क्या कर सकता है, यहाँ पे प्राइस अच्छे खासे रिटर्न्स आने वाले समय में दे सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे 3 टारगेट दूं, हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा हमारा 524 के आसपास का, हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 567 के आसपास का, और हमारा थर्ड टारगेट होगा यहाँ पे 600 के आसपास का, जो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज प्रीकॉट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है ATFL। ATFL देखिए मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट के साथ, इसने मेरे एरिया से 23% की रैली देने के बाद प्राइस ने फॉल करा था, एक साइडवेज करेक्शन करा। देखिए मुझे डबल बॉटम टाइप का चार्ट लग रहा है और आज यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी हमें देखने को मिल रहा है। सेकंड टारगेट होगा यहाँ पे हमारा 895 और उसके बाद जो हमारे प्रीवियस फर्दर टारगेट्स थे वही फर्दर टारगेट्स को प्राइस फॉलो करता हुआ मूव कर सकता है, ठीक है। तो यही वो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स थे जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस एंड एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए वीकली चार्ट बस्टर्स के एपिसोड भी लेके आते रहता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।